हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंडीगढ़ अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं एसएससी एग्जाम से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियां जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है अगर आप एसएससी एग्जाम देने का मन बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या है। तो एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और हिंदी में हम इसे कहते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है। एसएससी ग्रुप सी एंड डी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। हर साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी पोस्ट एसएससी के थ्रू ही फिल की जाती हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि एसएससी के थ्रू हम कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं और किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि एसएससी के अंदर कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम आता है इसके अंदर, वो है सीजीएल एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो है ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी हो, अगर आपके पास है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और इस एग्जाम को क्लियर करके आप डिपार्टमेंट ऑफ फूड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हो। जो दूसरा एग्जाम है वो है सीएचएसएल, जिसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12th लेवल, और इस एग्जाम को क्लियर करके आप एलडीसी और क्लरिकल जॉब्स पा सकते हो। तीसरे नंबर पर जो एग्जाम है वो है स्टेनो का एग्जाम। इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th क्लास की ही चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो एग्जाम है वो है जेई का एग्जाम, यानी कि जूनियर इंजीनियर का एग्जाम। इसके लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और इसको क्लियर करके आप गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरिंग की जॉब पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सब एग्जाम्स के जानने के बाद आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मेनली इसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पेपर डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ नई जानकारियां पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।